एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी है. तो कौन सी एनर्जी है भाई, टोटल एनर्जी है बताया नहीं गया. तो एनर्जी नीडेड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आयनाइज करना, आयनाइज मतलब मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, न्यूक्लियस से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देना है. ठीक है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, तो सेकेंड एक्साइटेड में एनर्जी होती है -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए. तो -13.6 और ये एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. ध्यान देना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, बी केयरफुल. बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे. एन की वैल्यू यहाँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 3. नहीं समझे, देखो वैसे अगर याद है तो डायरेक्ट कर लो. ये एन इजक्वल टू 1 है, एन इजक्वल टू 2 है, एन इजक्वल टू 3 है, एन इजक्वल टू 4 है. ये जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है. तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को हमें आयनाइज करना है, इन्फिनिटी पर भेजना है. तो वैसे भी एनर्जी मुझे याद है 13.6 -3.4 और -1.5. ठीक है, तो सेकेंड वाले को अगर मैं इन्फिनिटी पर भेजूँ तो मुझे +1.5 देना पड़ेगा. तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा +1.5 इलेक्ट्रॉन बोल्ट. मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है. या नहीं तो ये याद नहीं है एनर्जी लेवल, तो एक काम करो, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी तो टोटल एनर्जी 3 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे. ये हाँ, यहाँ 3 का स्क्वायर कर दो, यहाँ 9 आ जाएगा और 9 इलेक्ट्रॉन बोल्ट और यह आ जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन बोल्ट. दैट इज ए एनर्जी इन थर्ड सेल या सेकेंड एक्साइटेड. अब आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एनर्जी टोटल एनर्जी की प्लस होती है, तो +1.5 इलेक्ट्रॉन बोल्ट ये एनर्जी मुझे चाहिए यार, +1.5 इलेक्ट्रॉन बोल्ट. मतलब ए ऑप्शन सही है.